आज का सेशन इंटरप्ट्स रिलेटेड है। जब हमको ऐसे क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं या बनते हैं, तो हम उसका आंसर जनरली यस या नो के रूप में देते हैं। वो हमें इच्छा पर डिपेंड करता है, हम चाहे तो उसका कंप्लीट आंसर दे सकते हैं या फिर हम यस या नो करके अपनी बात खत्म कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए यहाँ इस सेशन में हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी टू गो? आर यू रेडी टू गो? क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? ये क्वेश्चन है, कहीं जाते हैं तब ये पूछा जाता है कि आप जाने के लिए तैयार हैं, तो आप कह सकते हैं यस। और यदि आपका कंप्लीट आंसर देने का मन है तो आप कह सकते हैं यस आई एम रेडी टू गो। यदि नहीं जाना है तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं नो आई एम नॉट रेडी टू गो। आर यू अ डॉक्टर? क्या आप एक डॉक्टर हैं? आर यू अ डॉक्टर? क्या आप एक डॉक्टर हैं? यदि डॉक्टर हैं तो कह सकते हैं यस आई एम डॉक्टर, नहीं तो नो आई एम नॉट डॉक्टर। आर यू टायर्ड? क्या आप थके हैं? आर यू टायर्ड? यदि आप थके हैं तो कह सकते हैं यस आई एम टायर्ड, यदि नहीं तो नो आई एम नॉट टायर्ड। आर यू मैरिड? क्या आप विवाहित हैं? ये जनरली क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो आप कह सकते हैं यदि आप विवाहित हैं तो यस आई एम मैरिड, यदि नहीं है तो नो आई एम नॉट मैरिड। आर यू कॉन्फिडेंट? क्या आपको विश्वास है? आर यू कॉन्फिडेंट? जब कोई भी काम करना होता है तो हर कोई पूछता है कि इस काम के लिए तुम कॉन्फिडेंट हो, मतलब तुम पे आत्मविश्वास है। आर यू कॉन्फिडेंट? क्या आपको विश्वास है? तो यदि है तो कह सकते हैं यस आई एम कॉन्फिडेंट, यदि नहीं तो नो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। क्या आप कार्यालय क्या आप कार्यालय क्या आप कार्यालय क्या आप कार्यालय में हैं? आर यू इन द ऑफिस? क्या आप कार्यालय में हैं? यदि है तो आप कह सकते हैं यस आई एम इन द ऑफिस, यदि नहीं तो नो आई एम नॉट इन द ऑफिस, हम कार्य मैं कार्यालय में नहीं हूं। आर यू इंटरेस्ट इन कंप्यूटर? क्या आपको कंप्यूटर में दिलचस्पी है? आर यू इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स? क्या आपको कंप्यूटरों से दिलचस्पी है? यदि आपको कंप्यूटर अच्छा लगता है तो हाँ कह सकते हैं यस आई एम इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, कि मुझे इंटरेस्ट है कंप्यूटर में। यदि नहीं है तो कह सकते हैं मुझे कंप्यूटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप रिप्लाई कर सकते हैं नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स। आर यू गोइंग टू अटेंड द मीटिंग? जब भी कोई मीटिंग होती है तो दोस्तों से हम पूछते हैं क्या आप सभा में जा रहे हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए? आर यू गोइंग टू अटेंड द मीटिंग? यदि जा रहे हैं तो कह सकते हैं यस आई एम गोइंग टू अटेंड द मीटिंग, यदि नहीं जा रहे हैं तो कह सकते हैं नो आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। आर यू वर्किंग इन प्राइवेट कंसर्न? क्या आप किसी प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हैं? आर यू वर्किंग इन द प्राइवेट कंसर्न? क्या आप कोई प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हैं? यदि आप कर रहे हैं तो कह सकते हैं यस आई एम वर्किंग द प्राइवेट कंसर्न, नहीं कर रहे हैं आप कोई भी प्राइवेट संस्था में काम तो कह सकते हैं नो आई एम नॉट वर्किंग द प्राइवेट कंसर्न। आर यू इंटरेस्टेड इन रीडिंग नॉवेल्स? क्या आपको उपन्यास पढ़ने में दिलचस्पी है? आर यू इंटरेस्टेड इन रीडिंग नॉवेल्स? क्या आपको उपन्यास पढ़ने में दिलचस्पी है? यदि आपको नॉवेल पढ़ने में इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है, तो कह सकते हैं यस आई एम इंटरेस्टेड इन द रीडिंग नॉवेल्स, यदि नहीं है तो कह सकते हैं नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग नॉवेल्स, मुझे उपन्यास पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आर यू ऑल राइट नाउ? क्या आप अब ठीक है? नाउ मतलब अभी तुरंत की बात कर रहे हैं, इसलिए आर यू ऑल राइट नाउ? क्या तुम अब ठीक हो? यस आई एम ऑल राइट नाउ, यदि आप ठीक हैं तो कह सकते हैं, यदि नहीं है तो कहेंगे नो आई एम नॉट ऑल राइट नाउ। आर वी फ्रेंड्स? क्या हम दोस्त हैं? आर वी फ्रेंड्स? क्या हम दोस्त हैं? यदि हैं हम आप दोस्त तो कह सकते हैं यस वी आर फ्रेंड्स, यदि नहीं है तो नो वी आर नॉट फ्रेंड्स। आर यू स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स? क्या आप अर्थशास्त्री के विद्यार्थी हैं?
आर यू स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या आप अर्थशास्त्री के विद्यार्थी हैं? यदि यदि आप नहीं हैं तो कह सकते हैं नो आई एम नॉट स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यदि हैं तो कहते हैं यस आई एम स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आर वी गुड इन एक्सपोर्ट, निर्यात से रिलेटेड है कि एक्सपोर्ट के बारे में क्या हम अच्छे हैं, मतलब हम जब कोई सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं इसी से रिलेटेड है, क्या हम एक्सपोर्ट या निर्यात में अच्छे हैं हम पूछ रहे हैं। तो यदि हम एक्सपोर्ट में अच्छे हैं तो रिप्लाई कर सकते हैं यस वी आर गुड इन एक्सपोर्ट, यदि नहीं है तो कह सकते हैं नो वी आर नॉट गुड इन एक्सपोर्ट। आर अवेयर फॉर गवर्नमेंट लॉ, क्या हम सरकारी कानूनों से अवगत हैं, मतलब कि हम क्या सरकारी जो भी नियम होते हैं उससे इंफॉर्मेशन रखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आर वी अवेयर ऑफ गवर्नमेंट लॉ, क्या हम सरकारी कानूनों से अवगत हैं, यदि अवगत हैं तो कह सकते हैं यस वी आर अवेयर ऑफ गवर्नमेंट लॉस, यदि नहीं है तो नो वी आर नॉट अवेयर ऑफ गवर्नमेंट लॉ, हम इन लॉ नियमों से अवगत नहीं हैं। तो आप कह सकते हैं कि नो वी आर नॉट अवेयर ऑफ गवर्नमेंट लॉ।